हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस लेक्चर में हम लोग स्टैट्स केस स्टडी वन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। इसमें टोटल फाइव क्वेश्चन हैं जो मोड, मीडियन और मीन फाइंड आउट करने के लिए हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स। यहाँ पे एज इन ईयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ केसेस गिवन है। द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेज अकर्ड इज, जहाँ पे भी ऐसा आता है कि एवरेज एज, यदि एवरेज एज फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब होता है कि आपको मीन फाइंड आउट करना है, लेकिन एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेज ये आता है तो इसका मतलब है कि आपको मोड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेज सबसे ज़्यादा है 23, यानी ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। और हमें ये फॉर्मूला पता है कि मोड इक्वल्स एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू होल मल्टीप्लाइड बाई एच। यहाँ पे टर्म्स क्या क्या हैं मैं बता देता हूँ। एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 35। एफ वन है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 23। एफ जीरो है जस्ट इसके पहले जो नंबर ऑफ केसेज हैं फ्रीक्वेंसी उसकी 21। एफ टू है 14, जो इसका सक्सीडिंग क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। एज का मतलब होता है क्लास इंटरवल, दैट मीन्स 45 माइनस 35 यानी 10। अब मोड के फॉर्मूला में आप सारी वैल्यूज पुट करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आ रहा है 36.82, जो कि ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास हो गया 35 to 45 और इसका अपर लिमिट हो जाएगा 45, तो ऑप्शन डी सही है। थर्ड क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज, फर्स्ट रो में आपके क्लास इंटरवल दिए हैं, दूसरे रो में आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको आप टेबल में डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट में एज इन ईयर्स डाला है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ केसेज हैं। इन दोनों में से यदि आप क्लास इंटरवल को यूज करेंगे तो क्लास मार्क आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये 10 आ जाएगा। इस तरह से आप क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी में 10 कॉमन फैक्टर है, इसलिए मैं एक नया टर्म डिफाइन करता हूँ, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई बाई 10। यहाँ पे यू आई की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेके 6 तक। लास्ट कॉलम में यू आई मल्टीप्लाइड बाई एफ आई फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे लिख के इसको ऐड कर लेंगे, जो कि आ रहा है 283। चूंकि हमें एवरेज एक्स का फाइंड आउट करना है इसलिए हम लिखेंगे एक्स बार इक्वल्स एच टाइम्स यू बार, और यू बार होगा समेशन ऑफ यू आई टाइम्स एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये पूरा टर्म। और एक्चुअल में समेशन ऑफ यू आई एफ आई ये है 283, जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं, और समेशन ऑफ एफ आई यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनका सम यानी 80। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 35.375। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 35.4 राउंड अप करने के बाद। मैं क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इतना बेसिक आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको टेबल 2 रेफर करना है। यहाँ पर मैंने एज इन ईयर्स डाल दिया है और नंबर ऑफ केसेज इसमें थोड़े से डिफरेंट है पहले से। हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। अगेन हम इसमें मॉडल क्लास कैलकुलेट कर लेंगे। मॉडल क्लास है 35 to 45, जिसका लोअर लिमिट है L इक्वल्स 35। एफ वन हो जाएगा 42, एफ जीरो हो जाएगा 10 और एफ टू हो जाएगा 24, एच की वैल्यू हो जाएगी 10। इन सारी वैल्यूज को आप डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं मोड, जो कि आएगा 41.4। ऑप्शन ए सही है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले टेबल बना लेते हैं जिसमें
क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, नेक्स्ट कॉलम में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि मीडियन क्लास कैसे आप चूज करेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 112 है, यदि 112 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 56। अब हमें देखना है कि n बाई 2 की वैल्यू किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास में है। तो दो सस्पेक्ट हैं 34 और 76, इनका डिफरेंस यदि आप कैलकुलेट करेंगे 56 माइनस 34 तो यह आ जाएगा 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 3 22, और यदि आप 76 माइनस 56 कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 20, यानी 76 सबसे पास में है। ओके, तो ये हो गया आपका मेडियन क्लास, और मेडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 42। हमें फॉर्मूला पता है कि मेडियन इक्वल्स एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ। सी एफ मतलब मेडियन क्लास के प्रिसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 34। यहाँ पे काफी लोग गलती करते हैं, आप मत करिएगा। एल की वैल्यू है 35, एन बाई 2 हमने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी 56, सी एफ है 34, एफ है, एफ की वैल्यू मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 42, क्लास इंटरवल है 10। अब इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके आप करेंगे तो ये आएगा 40.238। कैलकुलेशन में स्किप कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। इसको यदि आप राउंड अप करते हैं तो ये आ जाएगा 40.2, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं आगे की वीडियो फर्दर अपलोड कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग। थैंक यू।